हेलो फ्रेंड्स, सुबह का दिन है और बज चुके हैं सुबह के 10। आते बहुत जल्दी उठ गई क्योंकि मैं रात को थोड़ा जल्दी सो गई थी क्योंकि भैया हलीम को जाना है थोड़ा बाहर, जो कि हलीम ने आपको कल के ब्लॉग में बता ही दिया होगा। और जिनको जाना है बाहर वो उठ रहे हैं अभी, सो मैंने वाला कोई बात नहीं, मैं आजकल ब्लॉग चालू कर देती जब वो उठी तो वो ब्लॉग में आ जाएगी। और बाहर आज घर का ब्लॉग तो बिल्कुल होगा ही नहीं क्योंकि फोन वो लेकर जाएगी तो आपको बाहर का ब्लॉग ही देखने को मिलेगा। और अब मेरी तबीयत कल से थोड़ी बेटर है, सिर्फ मुझे भी फीवर नहीं लग रहा है बट कफ हो गई है। मुझे कफ पसंद कैसे दी क्योंकि मैंने रात में पता है थोड़ा सा दही खा लिया और दही से मैं बोलती कफ हो जाती है। केला वगैरह तो मैं खाती नहीं हूँ बट दही वगैरह खा ली उससे कफ हो गई होगी। मैं पी रही हूँ अपना गर्म पानी, उसके बाद मैं खाऊंगी भूखे पेट वाली गोली और फिर उठाऊंगी हलीम को क्योंकि भैया बोल रहे थे कम से कम हमें 3 या 4 बजे निकलना है। वैसे तो आज तक वो कौन सी ट्रिप पर जल्दी निकले हैं जो कि आज निकल जाएंगे, आज भी वो लेट ही निकलने वाले हैं जो कि मुझे पता है और आप लोगों को भी पता है। दवाई खाने का टाइम है, मुझे रहे खांसी के लिए वाली सिर्फ पीनी पड़ती है। वाली सिर्फ सच में इतनी ज्यादा कड़वी है ना, मैं क्या करती हूँ चम्मच अंदर डाल के फिर नाक बंद कर लेते, ऊपर से पानी पी लेते। और ये 3 टाइम पीनी है, 2-2 चम्मच, 1 चम्मच भी नहीं। और मैं चम्मच भी सबसे छोटे वाला लेकर आती हूँ कि 1 चम्मच ऐसे हो जाएगी, मैं 1.5 चम्मच ही पीती हूँ, 2 चम्मच कभी नहीं पी लेंगी। 2 तो पी देखा, बहुत कड़वी है। 5 मिनट हो गए मुझे चम्मच हाथ में पकड़े हुए, पीने की ताकत ही नहीं हो रही है। इसके लिए मैं स्किप कर देती पर गला इसी से ठीक होगा, गोली से गला नहीं ठीक होगा, सिर्फ से गला ठीक होगा, खांसी भी इससे कम होगी। उठ जा हरलीन, हरलीन चांद सा रोशन चेहरा, उठ जाओ बेटा। इस लड़की का हमेशा होता है जब भी कहीं जाना होता है उठने में बहुत ड्रामे करती है। उठ जाओ, देखो कौन उठाने आया, पीटर सिंह। पीटर दीदी को उठाए हम दोनों, उठा पे हलीम ने, उठा बोलो। उठ जाओ, चलो ठीक है, मैं ठंडे हाथ नहीं लगाते पर उठ जाओ। मैंने हलीम और भैया के लिए यहाँ पर लंच भी तैयार कर दिया, साथ में रोटी और साथ में करेले और साथ में कल की पीली वाली दाल पड़ी है क्योंकि रात को सबने पनीर की सब्जी खा ली, पीली वाली दाल तो किसी ने खाई नहीं। तो वो पर वो लड़की अभी तक नहीं होती, अभी तक वो लड़की कम्बल में लेटी है, उस लड़की को शर्म नहीं है। मेरा नाश्ता बन चुका है, भैया उठकर नहा भी लिया, वो अभी तक कंबल से ही नहीं उठी। हलीम उठ जा यार। तो दोस्तों मैं उठ चुकी हूँ, मैं नहा भी चुकी हूँ, मैंने भैया की पैकिंग कर दी है, अपने सिर्फ एक ड्रेस डालनी है क्योंकि एक दिन के लिए जाना है। और हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पालीताना जैन टेम्पल, वहां जा रहे हैं। वहां पे बोलते हैं कि 4000 सीढ़ियां होती हैं, उसके बाद आप मंदिर पे पहुंचोगे। जैसे कि अंबाजी में 1300 सीढ़ियां होती हैं, शायद 1300 ही होती हैं, उसके बाद आप मंदिर में पहुंचते हो ना, वैसे यहाँ है। और यहाँ पे जब 4000 सीढ़ियां चढ़नी है उसके बीच में 800 मंदिर आते हैं बीच में, आपको उनमें से उसमें माथा टेक टेक के जाना होता है और चप्पल उतार के जाओ तो ज्यादा बेस्ट है। बाकी वो तो मैं आपको डिटेल वहां दूंगी। और निकलना है, 5 घंटे का हमारे यहाँ से सफर है, अभी तक हम लोग निकले नहीं है, 4 बज चुके हैं। भैया भी गए हैं कार वॉश करवाने की क्योंकि कांच बिगड़ जाता है और हम, जैसे कि मैंने आपको गारंटी से बोला था, टाइम से नहीं निकलेंगे। तो नाइट ड्राइविंग में ये होता है कि आपको एक तो लाइट मारते हैं, ऊपर से आपका गंदा होना कांच तो आपको कुछ दिखता भी नहीं है और व्लॉग में भी नहीं दिखता है आपको। सो भैया अभी जब तक आते हैं मैं पैक कर लेती हूँ, थोड़े बाल वगैरह बना लेती हूँ, अपने कपड़े भी पैक कर लेती हूँ, शैम्पू बॉडी वॉश वगैरह रख लेती हूँ जो कि लास्ट टाइम हम भूल चुके थे यहाँ पे। और ये बच्चा हमेशा की तरह इसको टेंशन होगी कि सब क्यों भाग भाग कर रहे हैं। सो जाके आते हैं और आपको भी जरूर मैं दिखाऊंगी, आप भी ट्रिप में शामिल हो जाइए। आप लोग कभी गए हो तो मुझे कमेंट जरूर करिए, हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। सो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या क्या होता है, कैसा सब रहता है। सो तैयार होके मिलती हूँ। टाइम हो चुका है 4:30 और भैया और हलीम अभी तक नहीं निकले, ये दोनों बहुत लेट लतीफ है। और ये इनकी लास्ट टाइम पे भी वो ही नहीं, पैकिंग ही नहीं हुई है, कपड़े ही नहीं मिल रहे एक दूसरे को, कितने बेवकूफ भाई बहन है। हम तो कुत्ते हैं पता है, वो कभी ठीक नहीं रहते ना, नहीं तो मैं इनको बताती कि ट्रिप पे कैसे जाया जाता है। ये लास्ट मोमेंट पर भी बैग पैक कर रही है, थैले पैक कर रही है। और पिछली बार जो ये मेकअप वगैरह भूल गई थी ना, इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मेकअप वगैरह डाल दिए मैंने डिब्बे में, मैंने खुद नहीं किया थे, तू गई थी जब बाल सुखाने का। चलती है दिल से बोल रहे हैं अब निकलते हैं। 2-3 बार मुझे ऊपर भी जाना पड़ा क्योंकि मैं सॉक्स ही नहीं पहन के आई थी, सॉक्स पहनी तो शूज लाना भूल गई क्योंकि गाड़ी में से निकाल के मम्मी ने उस दिन धोए थे ना, तो मेरे दिमाग से निकल गया। बाकी मैंने ड्रेस तो वही रखी है और देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है। ना करते भी हमें 5 बज गए, अब हम निकलने वाले हैं। मैप पे लोकेशन डाल दी है, ब्राउन ब्राउन
ब्राउन ब्राउन। तो इतनी लेट करने के बावजूद भी हम लोग, मुझसे तो नाश्ता नहीं खाया गया, दीदी ने बनाया था, भैया ने तो खा लिया टाइम से 3 बजे, मुझसे नहीं खाया गया। तो मैंने कुछ खाया नहीं, मैंने भैया को बोला भैया क्रीम वाले बिस्किट ले, तो भैया बोले ऑरेंज फ्लेवर ले ले, मुझे ऑरेंज फ्लेवर इतना अच्छा नहीं लगता, चॉकलेट फ्लेवर पे भी ठीक है, चलो टेस्ट है, थोड़ी देर भूख शांत हो जाएगी, फिर 2-3 घंटे में कहीं रुक के तो कुछ खाएंगे, चाय वगैरह पियेंगे। सो व्लॉग में बने रहे, ट्रिप की शुरुआत करते हैं, तो नाम लेते हैं जय श्री राम हर हर महादेव। सो अच्छे से ट्रिप लें, बच्चे भी पीछे अच्छे रहे, और वहाँ क्या होता है वो देखते हैं। सो स्टे ट्यून, जो होगा दिखाने लायक मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो आखिर में भैया ने ये बिस्किट ला के दिए, मैंने मैजिक के बोला था, इस बाउंस के बिस्किट को उतना टेस्ट नहीं होता है, बट अभी जो मिला वो खाना पड़ता है, तो मैं ज्यादा आर्ग्यू नहीं करूंगी। रास्ता शुरू हो चुका है, कितने घंटे बता रहा है, 5 घंटे 19 मिनट, और निकले कितने बजे, 5 बजे। भैया थोड़ी सी शर्म है, इतनी सी शर्म होती ना तो हम लोग आज टाइम पे निकलते, बट हमें इतनी भी शर्म नहीं है, हम आज भी लेट निकले हैं। हम लोगों ने ज्यादा सफर तो कंप्लीट नहीं किया, 1 घंटे के सफर के बाद में हमने स्टॉप ले लिया है, तो अभी यहाँ से कुछ खा के चलते हैं, क्योंकि भैया को भी भूख लग चुकी है, और मुझे तो, मैंने तो मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया, फिर वही बिस्किट खाए हैं, तो मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। हमने 2 डिशेज मंगाई है, एक पनीर की चीज़, और दूसरी क्या मंगाई भैया, दोनों पनीर की चीज़ें मंगाई है। भैया को लगता है पेट खराब करना है यहाँ पे, कल भी हमने पनीर खाया, आज फिर से पनीर, बट बाहर कुछ ऑप्शंस और होते नहीं है तो क्या खाएं। सो फटाफट से आए, खा के निकलते हैं, 4.5 घंटे का सफर और बता रहा है अभी तो गूगल हमें, फिर पहुँच जाएंगे हम अपनी डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे कितना मस्त बनाया छोटा सा हाईवे पे, बड़ा ही सुंदर, अति सुंदर। तो हमने यहाँ से खा लिया है और निकलते हैं, ये रहा बच्चा छोटा सा रेस्टोरेंट, और खाना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था, एक मटर पनीर था, एक नॉर्मल पनीर था। सो अभी 2 घंटे कोई स्टॉप नहीं लगा, सब कुछ हो गया है, बॉटल वगैरह ले ली है। सो कितने घंटे का रास्ता बता रहा भैया अभी तक, कोई शर्म हया कुछ नहीं है, सब कुछ बेच खाया है, मैप चाहिए, चलो मिलते हैं 2 घंटे बाद। 3.5 घंटे का सफर करने के बाद अब हमने ब्रेक लिया है, अभी ये होटल ले लिया है, यहाँ से रुक के हम जाएंगे, बाद मॉर्निंग में निकल जाएंगे। मॉर्निंग में हमें उठना पड़ेगा 4 बजे, क्योंकि यहाँ पे चेकआउट भी है, उन्होंने बोला जब आप वहां से आ जाओगे ना माथा टेक के, फिर हम आपको रूम बुक कर देंगे, बट ये किसी को मॉर्निंग में चाहिए, तो हमने कहा ठीक है। सो अभी सो जाएंगे, ऑर्डर दे दिया है खाने का, हल्का फुल्का खाना है, दाल रोटी सब्जी। भैया अपनी मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे, तो दाल रोटी सब्जी खा के सो जाएंगे, फटाफट से उठ जाएंगे, व्लॉग एडिट नहीं होगा मुझसे, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई भी नहीं है, और मैं जागूंगी भी इतनी देर नहीं, क्योंकि अगर मैं जागती रही ना मॉर्निंग में दर्शन नहीं हो पाएंगे अच्छे से। सो खाना आ जाए वो मैं आपको दिखाती हूँ, आपको मुंह धो लूँ, वैसे तो लिपस्टिक पूरी उतर चुकी है खा खा के, सो आपको मुंह धो के मिलती हूँ, कपड़े चेंज नहीं करूंगी, ऐसे ही सो जाऊंगी, नींद बड़ी आई है। और 9 AC हमने रूम लिया, एकदम सस्ता मिल गया, सिर्फ 600 का है रूम। रूम आपको मैं दिखाऊं तो कैसा है, ये रहा हमारा बेड, ये रही ऊपर दीवार, एक पंखा, ये पड़ते, एक और बेड, छोटा सा शीशा, उसमें अपनी शक्ल देखो, और ये बाथरूम, बस इतना ही है। हमारा रात का डिनर भी आ चुका है, आज हम लोग बहुत जल्दी डिनर करने वाले हैं, अभी सिर्फ टाइम कितना हुआ है, टाइम हुआ है 10:57, मतलब 11 बजे, हम लोग कितने बजे खाने हैं, फटाफट खा के 12 बजे तक सो जाएंगे, मॉर्निंग में 4 बजे उठना भी है, चलो 4 घंटे की नींद ले ले, वो भी बहुत है। तो ये भैया ने मंगवाई है दाल, कितनी मस्त है, छोटी सी ये बाल्टी ऐसे गांव में होती है ना जब दूध निकालते हैं, और ये भैया ने एक नॉर्मल पनीर की सब्जी मंगाई, और ये भैया का चीज़ का दो लस्सी, बस है डिनर आज का। सो फटाफट से खा लूँ टेस्टी डिनर। 12:30 बज चुके हैं, तो मैं भैया जा रहे हैं सोने, सो मिलते हैं आपको मॉर्निंग में फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक ले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और मॉर्निंग में आपको भी दर्शन कराते हैं, जितना होगा मैं वक्त अब मॉर्निंग में आपको उतना ही बना के दिखाऊंगी। सो गुड नाइट, बाय।